एवरीवन, आई एम अनामिका सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द टीचर्स हाउस। आज का मेरा टॉपिक है काश। डेली यूज सेंटेंसेस में हम इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, काश। तो कैसे ऐसे सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में बदलेंगे जिनमें काश का इस्तेमाल हो, चलिए देखते हैं वन बाय वन। मैंने यहाँ पे देखिए तीन कैटेगरीज बनाई हैं, तीनों कैटेगरीज में भी उनके सब पॉइंट्स हैं। उन सब पॉइंट्स के थ्रू हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए विदा टाइम वेस्ट किए एक एक टॉपिक को समझते हैं। पहले जो पहला सेक्शन है मेरा, इस सेक्शन में मैंने लिखा है डू, करना। किसी काम को जब परफॉर्म करने के लिए हम काश का यूज करते हैं, जैसे काश मैं तुमसे मिलूं, काश तुम मेरे घर आओ। यहाँ पे देखिए कोई काम परफॉर्म हो रहा है, काश मैं जॉब करूं, काश मैं इंग्लिश बोलूं, काश ऐसा हो, काश वैसा हो। तो यहाँ पे कोई काम है, कोई कार्य है, कोई एक्टिविटी है जो परफॉर्म हो रही है। तो उस केस में कई सारे पॉइंट्स हैं जिनमें पहला पॉइंट मैं पहले डिस्कस करूंगी, करूं या करें। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे बेस्ड होगा। अगर आपने टेंस में आप क्लियर नहीं है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर के टेंसेस के वीडियोस देखिएगा जो बॉक्सेस के नाम से हैं। तो बॉक्स नंबर वन है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेस्ड पे करूं या करे को लेकर के काश के सेंटेंसेस बनाते हैं। आई विश आई मीट यू, काश मैं तुमसे मिलूं। ये क्या है, मिलना एक काम है जो परफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन इसकी इच्छा है, काश मैं तुमसे मिलूं। ये मेरी एक डीप इच्छा है कि मैं आपसे मिलूं। आई विश ही मीट्स मी, आई विश ही मीट्स मी, काश वो मुझसे मिले, काश वो मुझसे मिले। यहां पे देखिए पहले वाले सेंटेंस में डू का यूज हुआ है, दूसरे वाले सेंटेंस में डज का यूज हुआ है। जो भी वर्ब होगी उस वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो आई विश आई मीट यू, काश मैं तुमसे मिलूं। आई विश ही मीट्स मी, काश वो मुझसे मिले। आई विश ही आई विश आई डोंट मीट यू, काश मैं तुमसे ना मिलूं। ऐसे भी लोग बोलते हैं काश मैं वहां ना जाऊं, जाना पड़ता है हमें, किसी रीजन से हमें जाना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग यही सोचते हैं काश कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे वहां ना जाना पड़े। तो काश मैं वहां ना जाऊं या फिर काश मैं तुमसे ना मिलूं, आई विश आई डोंट मीट यू। ये स्ट्रक्चर कैसे, फॉर्मूला ये कैसे बेस्ड है, ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पता चल जाएगा। नेक्स्ट, आई विश ही डजंट मीट यू, काश वो तुमसे ना मिले, काश राहुल ना आए। कैसे बनेगा, आई विश राहुल डजंट कम, काश मैं वहां ना जाऊं, आई विश आई डोंट गो देयर। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें करूं या करे आ जाए, इसमें वर्ब चेंज हो सकती है, खाऊं खाए, उठूं उठे, सोऊं सोए, पढ़ूं पढ़े, बोलूं बोले, इस तरह की जो वर्ब चेंज हो जाएंगी लेकिन पैटर्न यही रहेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग इस तरह से यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेस्ड। नेक्स्ट, दूसरा केस यहाँ पे है कर्ता। कर्ता कब के लिए बोलते हैं, जब हम किसी ऐसी चीज की इच्छा कर रहे हैं जो बीत चुकी है, जिस पे बस हम एक गिल्ट फील करके कह रहे हैं काश ऐसा होता या काश ऐसा करता। तो वहां पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। कैसे, आई विश आई वुड गो देयर, काश मैं वहां जाता। यहाँ पे कर्ता लिख रहा है, इसकी जगह वर्ब्स चेंज हो जाएंगी, काश मैं वहां जाता, काश मैं भी आइसक्रीम खाता, काश मैं अच्छे से इंग्लिश बोलता, काश मैं तुम्हारे घर आता, काश मैं तुमसे मिला होता, काश मेरी तुमसे शादी हुई होती। तो इन सारे से, ये सारे सेंटेंसेस क्या है, पास्ट के लिए बोले जा रहे हैं, लेकिन हमारी विलिंगनेस, एक इच्छा शो हो रही है कि काश ऐसा हो जाता। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फ्रेम करेंगे। आई विश आई वुड गो देयर, काश मैं वहां जाता। आई विश ही वुड कॉल मी, काश वो मुझे कॉल करता। आई विश यू वुड नॉट मेक मी योर फ्रेंड, काश तुम मुझे अपना दोस्त ना बनाते। आई विश आई वुड नॉट टीच यू इंग्लिश, या फिर आई विश आई वुड नॉट टीच इंग्लिश, काश मैं इंग्लिश ना पढ़ाती। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। सेंटेंसेस कौन से होंगे, जो पास्ट के होंगे, जिनमें विश के साथ कर्ता आएगा, यानी कि काश के साथ करता, गाता, सोता, खाता, पीता, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आएंगे वो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, द थर्ड कंडीशन इज कर चुका होता। कर चुका होता में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जैसे
आई विश आई वुड हैव डन दिस, काश मैं ये कर चुका होता, काश मैं तुम्हें छोड़ चुका होता, आई विश आई वुड हैव लेफ्ट यू, आई विश आई वुड हैव गॉन देयर, काश मैं वहां जा चुका होता, आई विश आई वुड हैव पास्ड, काश मैं पास हो चुका होता। तो यहां पे कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, यहां पे लिखा है कर चुका होता, ये वर्ब चेंज हो सकती है, पास हो चुका होता, खा चुका होता, पी चुका होता, खरीद चुका होता, सो चुका होता, ये जितनी भी चीजें हैं इनके साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट द फोर्थ कंडीशन इज कर सकता या कर पाता। ये पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, कुड ग्रामर का यूज होगा यहाँ पे, जहां पे सकता सकती सकते या पाया पाई पाए आ जाता है वहां पे कुड का यूज होता है। तो यहाँ पे कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। कैसे, आई विश आई कुड डू जॉब, काश मैं जॉब कर पाती। तो कर पाती, ये भी पास्ट ही बात हो रही है, काश मैं जॉब कर पाती। फॉर द टाइम आई एम नॉट डूइंग जॉब बट आई एम थिंकिंग कि काश मैं भी जॉब कर पाती, आई विश आई कुड डू जॉब। आई विश यू कुड हेल्प मी, काश तुम मेरी मदद करते या काश तुम मेरी मदद कर सकते। तो आई वुड आई विश यू कुड हेल्प मी, या फिर ऐसे हो सकता था आई विश आई कुड हेल्प यू, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती, काश मैं तुम्हारी मदद कर सकती। नेक्स्ट, आई विश आई कुड प्ले हॉकी, काश मैं हॉकी खेल पाती, काश मैं हॉकी खेल सकती, काश मैं क्रिकेट खेल सकती, काश मैं कबड्डी खेल सकती, काश मैं खाना बना सकती, काश मैं तुमसे मिल सकती। ऐसे जो भी सेंटेंस हैं जिनके अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सका सकी सके या पाया पाई पाए आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस के साथ कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और अगर ये काश के साथ लग जाए तो आई विश के साथ आगे का सेंटेंस उसी ग्रामर के हिसाब से फ्रेम किया जाएगा। सबसे पहले आप आई विश तो हर जगह लगाएंगे क्योंकि काश ये सोच कौन रहा है, काश मैं सोच रही हूं, इसलिए आई विश होगा। तो और हमेशा ऐसे सेंटेंसेस हमारे थ्रू हमारे द्वारा ही बोले जाते हैं, इसलिए हमेशा आई विश का यूज होगा। और आई विश यूज होने के बाद फर्दर जो भी ग्रामर होगी उसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ कंडीशन इज कर रहा होता। ऐसे कंडीशंस भी हम बोलते हैं, काश मैं भी जॉब कर रहा होता, काश मैं वहां जा रहा होता, आई विश सचिन वुड बी प्लेइंग इन माय टीम, काश सचिन मेरी टीम में खेल रहा होता। ये कब की बात है, ये ऐसा नहीं है कि सचिन मेरी टीम में नहीं खेल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये टाइम अभी चल रहा है, ये समय बीत चुका है जिसपे एक तरह से आप कह रहे हैं कि आप पछता के कह रहे हैं काश वो मेरी टीम में खेल रहा होता। तो आई विश पहले लग गया, आई विश तो हर जगह लगेगा ही लगेगा, आई विश। उसके बाद वुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ ही यूज होगा, कहीं पे भी कर रहा होता, जा रहा होता, खा रहा होता, पी रहा होता, अगर ये सारी चीजें काश के साथ लगी हैं, काश मैं घर खरीद रहा होता, काश मैं मोबाइल चला रहा होता, काश मैं इंग्लिश बोल रहा होता, तो यहां पे हमेशा वुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा आई विश के साथ। तो आई विश सचिन मेरी टीम में खेल रहा होता, सचिन वुड बी प्लेइंग इन माय टीम। नेक्स्ट इज आई विश माय स्टूडेंट्स वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, काश मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से इंग्लिश बोल रहे होते, काश मेरे स्टूडेंट्स फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे होते। तो ऐसी कंडीशन जहां पे कर रहा होता, जा रहा होता, खा रहा होता होगा, वहां पे वुड बी के साथ वर्ब की आईएनजी का यूज होगा। नेक्स्ट, द सेकंड कैटेगरी इज बी, जहां पे होना के सेंस में सेंटेंसेस बनाए जाते हैं काश के साथ। जैसे पहली कंडीशन हूं या होए, यहां पे बी का यूज होता है, होने के लिए बी का यूज होता है। जो लोग भी एडवांस लर्नर्स हैं वो जानते हैं कि बी के साथ, बी का फॉर्मेशन इज एम आर से होता है। तो हम कैसे बोलेंगे, आई विश आई बी एट होम, काश मैं घर पे हूं। कभी कभी ऐसे कहते हैं जब आप मेरे घर आओ तो काश मैं आपके साथ बैठने के लिए घर पे हूं, काश जब आप कश्मीर घूमने आओ तो मैं कश्मीर में हूं, तो काश मैं भी वहां पर हूं। होने के लिए क्या हो रहा है, बी का यूज हो रहा है।
बी को हटा के हम इज एम आर का यूज भी कर सकते हैं, चाहे तो हम बी का यूज करें चाहे तो हम इज या एम या आर का यूज करें एज पर द सब्जेक्ट। तो आई विश आई बी एट होम, काश मैं घर पर हूं, इसकी जगह पे आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई विश आई एम एट होम, क्योंकि आई के साथ एम का यूज होता है। आई विश एम एट होम। नेक्स्ट, आई विश माई टीचर इज नॉट इन द क्लास दिस टाइम, काश मेरे टीचर इस समय क्लास में ना हो, ना हो या ना हो। तो आई विश माई टीचर इज नॉट इन द क्लास दिस टाइम, यहाँ पे बी का यूज भी कर सकते हैं, आई विश माई टीचर बी नॉट इन द क्लास दिस टाइम। नेक्स्ट, आई विश यू आर एट माई होम टूमोरो, काश कल तुम मेरे घर पे हो, काश तुम कल मेरे घर पे हो। आई विश यू आर एट माई होम टूमोरो, या फिर इसकी जगह पे हम बी का यूज भी कर सकते हैं, आई विश यू बी एट माई होम टूमोरो। इस आर का यूज हटा सकते हैं, यानी कि इस आर, इस इज, एम या आर को रिप्लेस करके हम बी का यूज भी कर सकते हैं, चाहे बी का यूज करिए या बी को रिप्लेस करके इज एम आर का यूज करिए, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट, जो इस बी की कैटेगरी में दूसरा पॉइंट है, होता। होता पास्ट के लिए होता है, यहां पे भी हम वर या वुड बी का यूज करेंगे। सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे आइए देखिए। आई विश ही वुड बी द सीएम, काश वो सीएम होते, काश वो मुख्यमंत्री होते। तो आई विश, आई विश तो लगना ही है, उसके बाद वो मुख्यमंत्री होते या होता, ही और यहाँ पे वुड बी या वर के साथ हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने वुड बी यूज किया है, आप यहाँ पे वर का यूज भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे वर का यूज भी कर सकते हैं। कैसे, आई विश ही वर द सीएम, या फिर आई विश ही वुड बी द सीएम। नेक्स्ट पॉइंट, आई विश यू वर माई सिस्टर, काश तुम मेरी बहन होती, काश तुम मेरी बहन होती, या फिर आई विश यू वुड बी माई सिस्टर, ऐसे भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट, आई विश आई वुड बी योर्स, काश मैं तुम्हारी होती, काश मैं तुम्हारी होती। तो यहाँ पे वुड बी की जगह हम वर भी यूज कर सकते हैं, आई विश आई वर योर्स। नेक्स्ट, आई विश यू वर माइन, काश तुम मेरे होते, यहाँ पे आई विश यू वर माइन, यहाँ पे वर को रिप्लेस करके हम क्या यूज कर सकते हैं, वुड बी, आई विश, आई विश यू वुड बी माइन। तो ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में होम या होए के साथ इज एम आर या बी का यूज कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो बी लगाएं और चाहें तो बी को हटा के इज एम आर एज पर द सब्जेक्ट लगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन होता, होता की केस में हम वर या वुड बी का यूज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज करें। नेक्स्ट, थर्ड कंडीशन इज हो चुका होता, हो चुका होता के साथ वुड हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। आई विश आई वुड हैव बीन सेटिस्फाइड विद माई जॉब, आई विश तो लगना ही है, काश। आई वुड हैव बीन सेटिस्फाइड, मैं अपनी जॉब से संतुष्ट हो चुका होता, आई वुड हैव बीन सेटिस्फाइड विद माई जॉब। तो इस तरह से ये सेंटेंस बना, हो चुका होता। आई विश माई मोबाइल वुड नॉट हैव बीन स्विच्ड ऑफ इन मीटिंग, काश मीटिंग में मेरा मोबाइल स्विच्ड ऑफ ना हो चुका होता या ना हो गया होता। नेक्स्ट, आई विश आई वुड हैव बीन फिनिश्ड माई वर्क ऑन टाइम, वुड हैव बीन है, देखिएगा आई विश तो लगना ही है, उसके बाद आई वुड हैव बीन सब्जेक्ट है मेरा, यानी कि मैं अपना काम कर चुका होता। आई विश आई वुड हैव बीन फिनिश्ड माई वर्क ऑन टाइम, काश मैं अपना काम समय पे पूरा कर चुका होता। तो ऐसी तीन कंडीशंस हो गई, हूं या होए, होता या हो चुका होता। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट थर्ड कैटेगरी इज हैव। हैव का यूज हम तब करते हैं, हैव का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई चीज होती है उस सेंस में, जैसे मेरे पास घर है, मेरे पास कार है, मुझे दर्द है, मुझे फीवर है, जब कोई चीज लिविंग या नॉन लिविंग थिंग, जब हमारे पास कोई चीज होती है तो उसके लिए हम हैज या हैव का यूज करते हैं। इस केस में, काश के केस में हम हैव का यूज कैसे करेंगे, तीन कंडीशंस हैं इसके। पहली कंडीशन है पास हो, एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे हैव का यूज होगा, आई विश आई हैव आईफोन, काश मेरे पास आईफोन हो। तो
ये क्या है, एक सामान है जिसकी इच्छा कर रहे हैं कि वो मेरे पास हो, तो यहाँ पे हैव का यूज होगा। आई विश, क्योंकि ये काश लगा है, काश मेरे पास एक आईफोन हो, आई विश आई हैव आईफोन। दूसरा एग्जाम्पल, आई विश ही हैज अ हाउस, यहाँ पे चूंकि आई था इसलिए हैव लगा, यहाँ पे आई विश ही हैज उसके पास, तो थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, हैज, इसलिए आई विश ही हैज अ हाउस, काश उसके पास एक घर हो। आई विश आई हैव मनी, काश मेरे पास पैसे हो। आई विश ही डजंट हैव कार, काश उसके पास एक कार ना हो। तो इस कंडीशन में हम हैज या हैव का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन है, सब्जेक्ट है, तो हम वहां पे हैज का यूज करेंगे। नेक्स्ट, द सेकंड कंडीशन इज पास होता। कभी कभी हम ऐसे करते हैं, ये चीज काश ये हमारे पास होती, काश ये चीज मेरे पास होती, तो वहां पे हम हैज हैव की जगह पे हैज हैव का पास्ट हैड यूज करेंगे। कैसे, आई विश आई हैड यू, काश तुम मेरे पास होते, काश तुम मेरे पास होते। आई विश तो लगना ही है, तुम मेरे पास होते, अगर हो होगा तो आई हैव होगा, अगर होते होगा तो आई हैड यू। नेक्स्ट, आई विश ही डिड नॉट हैव बैंक बैलेंस, काश उसके पास बैंक बैलेंस ना होता, वो भी मेरे जैसा होता, तो काश ही डिड नॉट हैव बैंक बैलेंस। यहां पे थोड़ी सी चीज है, शायद आप स्किप कर जाएं, ही डिड नॉट हैव लगाया मैंने, ये भी सही है। यहाँ पे आप यहाँ पे हैड नॉट का यूज भी कर सकते हैं, सिंपली आप हैड नॉट का यूज कर सकते हैं। आई विश ही हैड नॉट बैंक बैलेंस। थोड़ा स्मार्ट लर्नर है, अगर आप एडवांस लेवल पे इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि जब हैड को रिप्लेस करते हैं तो हम डिड नॉट, जब नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड के साथ हैड का यूज नहीं करते हैं, दो पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स एक साथ यूज नहीं की जाती। तो आई विश ही डिड नॉट हैव बैंक बैलेंस, या फिर आई विश ही हैड नो बैंक बैलेंस, इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई विश शी हैड मनी, काश उसके पास पैसे होते। नाउ द थर्ड कंडीशन इज पास रहा होता, काश ये चीज उसके पास रही होती। कैसे, आई विश आई वुड हैव हैड अ कार, काश मेरे पास एक कार रही होती। पहले की बात कर रहे हैं आप, आज सोच रहे हैं, आज आप इच्छा कर रहे हैं, आज आप इस तरह से इच्छा कर रहे हैं, काश मेरे पास एक कार रही होती तो बात ही कुछ और होती। तो आई विश, और यहां पर लगेगा क्या, वुड हैव हैड, यानी कि हैव ये, हैड ये, और उसके पहले वुड लग जाएगा, वुड हैव हैड। आई विश ये तो लगना ही है, काश मेरे पास एक कार रही होती, आई वुड हैव हैड अ कार, आई वुड हैव हैड अ कार। नेक्स्ट, आई विश आई वुड हैव हैड लैपटॉप इन माई हाउस, काश मेरे घर में एक लैपटॉप रहा होता। तो आई विश आई वुड हैव हैड, वुड हैव हैड कहां से आया, समझ में आ रहा ना, कहां जहां पे भी पास रहा होता, काश के सेंटेंस में सेंटेंस आएगा वहां पे वुड हैव हैड का यूज होगा। आई विश लगना ही है, फिर सब्जेक्ट है मेरे पास इसलिए आई, वुड हैव हैड लैपटॉप इन माई फैमिली इन माई हाउस। तो इस तरह से एक पूरा चैप्टर हमने काश का कंप्लीट किया। कोई भी प्रॉब्लम है किसी सेंटेंस को बनाने में, आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका आंसर करूंगी। अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।